सिद्धार्थनगर जिले में एक युवक की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान ढेबरुआ थाना क्षेत्र के पंचमोहनी निवासी 16 वर्षीय विकास के रूप में हुई है, जो इटवा थाना क्षेत्र के माता प्रसाद इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र था और कल शाम में घर से घूमने निकला था। मृतक विकास का शव इटवा थाना क्षेत्र के आईटीआई कॉलेज के कमरे में मंगलवार की सुबह 10:30 बजे मिला। जब निर्माणाधीन इस भवन में लोग काम करने पहुंचे, सरकटी लाश देखकर वे अवाक रह गए और इसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची भारी भीड़ और पुलिस ने शव की शिनाख्त 16 वर्षीय विकास के रूप में की। मृतक विकास के रिश्तेदारों के अनुसार विकास कल परीक्षा देने इसी स्कूल में आया था और फिर शाम में घर से यह कहकर निकला कि वह घूमने जा रहा है। देर रात तक जब वह वापस नहीं आया तो घर वाले परेशान हो गए और रात भर अन्य रिश्तेदारों और अन्य परिचितों को फोन कर ढूंढते रहे। सुबह जब उन्हें शव मिलने की सूचना मिली और वह घटनास्थल पर आए तो विकास का शव देखकर अवाक रह गए। मौके पर पहुंचे एसपी सिद्धार्थनगर ने कहा कि घटनास्थल पर पुलिस और फोरेंसिक टीम को लगा दिया गया है, जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा और अपराधी उनकी पकड़ में होंगे। लाश मिली है, पूरा मामला क्या अब तक क्या हुआ है? नवनिर्मित आईटीआई कॉलेज इटवा में यहाँ पर 10:30 बजे आज एक अज्ञात शव, गर्दन कटा हुआ अज्ञात शव की सूचना मिली है। सूचना पर जो है यहाँ पर तुरंत स्थानीय पुलिस ने शिनाख्त कराने का प्रयास किया, शिनाख्त हो गई है। विकास गुप्ता नाम का लड़का, उम्र 16 साल, थाना ढेबरुआ थाने का है। परिवारीजन से बातचीत करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसओजी टीम, फॉरेंसिक सही टीम सब लगाई जा चुकी है।